सर। बोलो। निहान मैडम आपके और जिनब के बारे में मुझसे पूछ रही थी। मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम्हें पता है? नहीं सर। हाँ बोलो। अफसाने को कितना पता है? कुछ नहीं। Are you sure? मैं कसम खाती हूँ, और उसे पता भी क्या होगा? अफसाने तो बस तुम्हारे गुड बुक्स में रहना चाहती है। उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? निहान पूछताछ कर रही थी। कल रात के बाद अगर उसे कुछ भी पता चला तो कोई वादा नहीं बचेगा। पर कोई परवर नहीं, ध्यान रखो। निहान तुमसे पूछने की कोशिश करेगी, अगर तुम पकड़ी गई तो अपना सामान पैक करके निकल जाना। इसे वापस ले लो। मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और तुम इस कंपनी के लिए बहुत जरूरी हो, और ये सच कभी नहीं बदलेगा। तुम जाओ या रहो। मिस्टर हकी, तुम्हें जो लिखना था तुमने इसमें लिख दिया है। अब तुम मुझे जवाब दो, मुझे रेजिग्नेशन मंजूर नहीं है। ये तुम्हारा घर है, तुमने जो पागलपन किया उससे हमें फायदा ही हुआ। ये तुम हमेशा याद रखना। तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? तुम गए और तुमने देख लिया। मैं चाहता हूं कि तुम काम पर वापस आ जाओ। पर मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम यही रहो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये कंपनी मेरे अंकल के लिए बच्चे की तरह है। मैं चाहूंगी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे उन्हें तकलीफ हो। तुम भी ऐसा ही करो। मैं वापस नहीं आ सकता। अमीर कॉस्को अब मेरा पार्टनर नहीं, हम साथ में काम नहीं करते। वो अब मेरा दुश्मन है। मैं अब कॉस्को नाम से जुड़े हर दरवाजे को बंद करना चाहता हूँ, और करके रहूंगा। तुम्हारे गुस्से से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसे ताकत मिलेगी। तुम यहां रह के ये लड़ाई खुलकर लड़ सकते हो। मिस्टर हकी, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है, मैं आपको इसमें नहीं घसीट सकता। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम उन लोगों से दूर रहकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। अभी ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मानता हूं एमर तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन तुम आंसू को उन भेड़ियों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहो। अगर तुम ये नहीं मानोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे दोस्त नहीं माना। ऐसा मत कहिए मिस्टर हकी। तो एक बात तो तय हो गई, तुम्हारी इस लड़ाई में हथियार भी चाहिए, और पार्टनरशिप वही हथियार है। एक तीर से 100 निशाने हैं। मैं करूंगा, और उसके बाद मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। मैं उनकी बर्बादी पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। तो फिर तुम्हारा पहला काम है उनकी होल्डिंग की मीटिंग अटेंड करना, और आंसू को कभी अकेला मत छोड़ना। वेलकम। तुम गए और जख्मी होकर लौटे हो, अब तुम बदला लेना चाहते हो। तो कल रात क्या हुआ? तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? कभी कभी तुम चाहकर भी कुछ चीजें छोड़ नहीं सकते। क्या सिर्फ बदला ही एक तरीका है? तो मैं अमीर से और कैसे लड़ूंगा? ये सब निहान को पाने के लिए है ना? नहीं, मेरी प्रॉब्लम अमीर है और उसका गंदा खेल जो वो अपनी ताकत से चलाता है। बुरे लोग कभी जीतना नहीं चाहिए आंसू। जो उसने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया उसका तो उसे हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। पर अगर तुम हार गए, तुम्हें कुछ हो गया तो?
ऐसी चीजें होती रहती है आंसू, मैं ये बात जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये एक खेल है और मैं उसे जीतता हुआ नहीं देख सकता, पर वो जीत रहा है और मैं ये सब देख रहा हूं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। पर मुझे पहुंचा सकते हैं। कह रहे हो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, पर अगर आमिर ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो वो मुझे पहुंचेगी। अगर ये सब निहान के लिए है तो बदला लेने के लिए और भी रास्ते हैं। उसे जेलस करो। एक प्यार करने वाली औरत जल्दी जेलस होती है, मुझे पता है, क्योंकि अगर प्यार सच्चा है तो वो पक्का तुमसे जेलस होगी। मेरा इस्तेमाल करो, वो परेशान होकर वापस आ जाएगी। पता है निहान ने ये फैसला दूसरी बार लिया है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, निहान के साथ गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो आंसू? हमने एक समय पहले ये बात की थी कि हम थर्मल प्लांट के एरिया में एक स्कूल बनाएंगे, क्यों ना हम वो बनाते हैं। तो इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या मुझे ईंटें उठानी हैं? जहां बच्चे और आर्ट शामिल है, मुझे लगता है तुम अच्छा महसूस करोगी मेरी जान। तो ये स्कूल कहां बनेगा? पेलिन के पास सारी डिटेल है। तुम बिना किसी कारण के तो कुछ नहीं करते, तुम क्यों चाहते हो कि मैं ये काम करूं? और वो भी केमाल की कंपनी के साथ। केमाल की पुरानी कंपनी। केमाल अब वहां नहीं काम करता, तुम्हारे जाने के बाद उसने वहां से रिजाइन कर दिया है। तो क्या फैसला किया है? तो ये पूरी तरह से चैरिटी का काम है। पूरी तरह से? ठीक है, मैं करूंगी। तो चलो आओ, अपनी जिंदगी की पहली मीटिंग अटेंड करो। मैं अपना पर्स भूल गई, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। बजे मेरे कमरे में आना, निहान वहां नहीं होगी। ठीक है, बस एक बार पूछो क्यों, बस एक बार पूछो। मिस्टर केमाल, आप वापस फील्ड पर आ गए? बस अभी शुरुआत की है, सिर्फ हाथ मिला रहा हूं, दोस्त नहीं बन रहा। तेज दिमाग तेज सोचता है। हम शेड्यूल टाइम से पहले ही बहुत पीछे चल रहे हैं,
और हमें इसकी भरपाई करने के लिए जल्द से जल्द एक नया एक्शन प्लान बनाना होगा। इससे पहले कि हम कॉम्पनसेशन की बात करें, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे नए ट्रांसफर से, मेरी बीवी निहान कौसगोल। डिपार्टमेंट संभालेंगी जिसे हमने लिया था हमारा थर्मल प्लांट बनाने के लिए। यह तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। पर मैं किसी तरह का अटेंशन नहीं चाहती हूं। हमें बस मीटिंग शुरू करनी चाहिए। श्योर। तुम भूल गए। डार्लिंग, तुम शुरू करना चाहोगी? मैं कुछ कहना चाहूंगा। थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा कि मिसेज निहान कौसगोल सरनेम के अलावा किस लिहाज से स्कूल प्रोजेक्ट को लीड करेंगी। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। मुझे नहीं लगता इसे कौसगोल के अलावा कोई और संभाल सकता है। ये मेरा टॉप टू बॉटम अप्रोच है मिस्टर केमाल। मिसेज निहान इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। किसी ने तुम्हारा अप्रूवल मांगा ही नहीं। एमिर जी, स्कूल प्रोजेक्ट को साइड में रखते हैं क्योंकि हम भी ग्राउंड एरिया पर काम कर रहे हैं। किस कारण? ताकि ऐसा ना लगे कि हम किसी को रिश्वत दे रहे हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता था। ऐसा कोई भी नहीं मानेगा। ऐसा रिस्क तो हर जगह पे रहता है, चाहे या निहान इस प्रोजेक्ट को लीड करे भी या ना करे। ये स्कूल कौसगोल के बिहाफ पर बन रही है और तुम्हारी वाइफ इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, फिर तुम हमारी तरफ से ऑडिट तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जबकि ये जॉब इतनी सेंसिटिव है तो हमें इसे डिपेंडेंट रखना चाहिए। मैं मिस्टर केमाल से सहमत हूँ। डिसीजन हो गया है, पता नहीं आप लोग डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं सच्चाई जानना चाहूंगा। तुम ये चैरिटी का काम क्यों कर रहे हो? ऐसी कौन सी इलीगल चीज है जो तुम छुपाना चाहते हो? मिस्टर केमाल, मुझे नहीं लगता तुम्हारे इस एटीट्यूड से हम आगे बढ़ पाएंगे। आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड आई एम श्योर आप लोग ये मानते भी हैं। तुम गलत कह रहे हो। इसके अलावा किसी और को भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस स्कूल का फाइनेंशियली कौसगोल कंपनी के साथ कोई नाता नहीं है। डार्लिंग, तुम्हें यह सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट मेरे मैनेजमेंट में पूरा होगा। ये चैरिटी वर्क थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट्स में अलग है, तो इस प्रोजेक्ट की सारी फाइनेंशियल और दूसरी जिम्मेदारियां मेरी हैं। जैसा कि मैं आप सबको बता रही हूं, इसमें एक पैसा भी कौसगोल होल्डिंग से नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी, पर आपकी बात से कुछ साबित नहीं होता। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत से बच्चों के सपने पूरे नहीं हो सकते। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है। मैं वो स्कूल बनाऊंगी। पेंटिंग्स बेचकर बनाएंगी? अगर वो भी करना पड़े तो भी। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, पर ये सब सुनकर सच जैसा नहीं लग रहा। निहान अपनी पहली मीटिंग समझकर थोड़ी एक्साइटेड हो रही है। मेरा मतलब है, तुम्हें थोड़ा ध्यान से सोचकर प्रॉमिस करना चाहिए। नहीं, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी, और ये एक ही चीज है जो इस प्रोजेक्ट के लिए ही चाहिए। आप लोगों को इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं है, पर तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं ये करके दिखाऊंगी। निहान को उस गोल आगे रहेगी। मिस आसू, अभी तक आपकी टीम ने इस पर जो भी स्टडीज की है, मैं वो देखना चाहूंगी। जरूर, अगर आप चाहेंगी तो मैं कल आपको एक टूर करवा दूंगी। मुझे खुशी होगी। तुम्हें धूल मिट्टी वाली जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इसका उल्टा है। मुझे उस मीटिंग में जाना ही होगा। उन्हें बताना होगा कि मैं किस काबिल हूँ और कौसगोल के नाम पे कुछ नहीं हो सकता है आगे। मुझे उम्मीद है कि समाज की जीत होगी। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है जो मेरा काम था वो मैंने इस मीटिंग में कर दिया है। एक्सक्यूज मी।
क्या तुम मुझे वो सारे स्कूल की स्टडीज जो प्लान की गई हैं हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए प्लीज उसे लेके आ जाओगी एमिर के रूम में? ठीक है मैम। मेरी डार्लिंग ने काम शुरू भी कर दिया। तुमने मुझे बताया नहीं कि केमाल इन सब से जुड़ा हुआ है। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। ऐसे ही रहना, हम दोनों जल्दी से फोटोज लेंगे। इस काम से बाहर निकलने की सोचना भी मत। अगर तुम सोच रही हो कि केमाल की वजह से मैं तुम्हें निकाल दूंगा तो तुम गलत सोच रही हो। तुम इस प्रोजेक्ट को जरूर पूरा करोगी। क्या एमिर सच में इस स्कूल प्रोजेक्ट को चीजें छुपाने के लिए यूज करेगा? देखिए, वो कुछ भी कर सकता है, हमें संभल कर रहना चाहिए। अब ये सब तो रोज का हो गया है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलते हैं। गुड बाय लैला। बाद में मिलते हैं। तुम्हें डर नहीं हम एक साथ काम कर रहे हैं? तुम केमाल की दुखती रग हो। तुमने मीटिंग में उसकी आंखों में दर्द नहीं देखा? वो ऐसा था जैसे बिना दवाई की बीमारी। उसे और बुरा लगेगा जब वो रोज तुम्हें मेरे साथ देखेगा। मैं उसे हमेशा हराऊंगा। मुझे केमाल के साथ काम नहीं करना। वहां मीटिंग रूम में तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट थी, अब वो एम्बिशियस औरत कहां चली गई? इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही थी, क्या हुआ उन बातों का निहान? एमिर वो बात नहीं है, तुम भी ये बात जानते हो। मैं केमाल के खिलाफ तुम्हारा हथियार नहीं बनूंगी, समझे? तुम पहले ही बन चुकी हो, क्योंकि ये तुम्हारे किस्मत में था। और केमाल अपनी बिल से बाहर नहीं आएगा तो तुम दोनों का सामना कैसे होगा? मुझे फोर्स मत करो, मैं नहीं कर सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ निहान, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें ये करना ही होगा। तुम मेरे पास जबरदस्ती आए हो एमिर, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं परेशान होकर केमाल को सब कुछ बता दूंगी? तुम केमाल को कुछ नहीं बता सकती, मैं उसे मार दूंगा। तुम्हें पता है ना, तुम केमाल से बहुत प्यार करती हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो, पर मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अब केमाल को कोई आस नहीं है कि तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो। वो इस दर्द से सब समझ जाएगा। फिर मैं उसे उसी देश में भेज दूंगा जहां से वो आया है। इससे अच्छा बदला और क्या हो सकता है? डार्लिंग, मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम अपने मन को इधर उधर मत घुमाओ। जैसा चलता है वैसा चलने दो। तुम अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगाओ। और तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में प्यार नहीं दुश्मनी है। कुछ भी हो ये सब मैं खत्म करूंगी। अब से मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज रात हम टैबलॉइड प्रेस में होंगे। मेरे लिए थोड़ी सुंदर बन के आना, ठीक है? निहान, तुमने केमाल को मना ही लिया। मुझे खुशी है, पर बहुत हो गया। केमाल के साथ काम मत करो, इससे चीजें खराब हो जाएंगी। एमिर चाहता है कि मैं करूं। एक्चुअली मैं भी चाहती हूं कि ये स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा हो। मैं भी किसी चीज को जीतना चाहती हूं। मैं विक्टिम बन बन के थक गई हूं। मुझे भी खुद को अब साबित करना है। तुम्हें बार बार केमाल का सामना करना होगा। ये इतना भी बुरा नहीं है, ये सोचकर मैं पागल नहीं होना चाहती हूँ। तुम एक दूसरे से झगड़ो, बस यही तो एमिर चाहता है। तुम्हें मछली पसंद नहीं है? अगर खानी हो तो मैं खा ही लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें इस तरह के नॉर्मल टेबल पर खाने की आदत नहीं होगी, है ना? हे ऊपर वाले, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन सी टेबल पर खाता हूँ? तुम कुछ ज्यादा ही होशियार हो। हाँ,
मुझे इसके लिए रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। बानो, तुम किस बारे में चिंता कर रही हो? मेरी माँ यहाँ आएगी, कुछ डिशेस बनाएगी, बस इतना ही ना? तुम यही सोच रही हो ना? क्या तुम सीरियस हो? क्या हुआ, तुम नहीं चाहती मेरी माँ यहाँ पर आए? मैंने देखा है इन दिनों तुम अपनी फैमिली के बारे में बहुत बातें करते हो। वेल, शायद मैं तुम्हें तैयारी करवा रहा हूँ, शायद मैं खुद तैयार हो रहा हूँ। किस लिए? ताकि तुम फैमिली बन सको। क्या हुआ बानो? हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों? मुझे डर लग रहा है तारिक। डरो मत बानो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी को भी याद मत करो, पिछली सारी बातें भूल जाओ। तुम श्योर हो? जब तुम गुस्सा थे तुमने अमीर को बुलाकर हमला करवाया था। मुझे वो सब बातें याद मत दिलवाओ। मैं क्या कर सकता था, मैं पहले मैं तुमसे जेलस था। मैं वो सब जब भी याद करता हूं मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने सोचा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हारे जितना प्यार किसी से नहीं किया। पर तुम कितनी बुरी थी बानो। क्योंकि मुझे तकलीफ पहुंची थी। डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, जल्दी आ जाओ, तो मैं आ गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज रात मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। अकेली रहो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा और तुम समझ जाओगी कि तुम्हें आगे से मेरे साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहिए। अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। कहानी में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम देखना, तुम बहुत खुश रहोगी बानो। तारिक ने फोन किया तुम्हें? क्या बोला उसने? उसने मैसेज किया है, लिखा है वो नहीं आएगा। अब ये बच्चा कहाँ रह गया? उसने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मैंने उससे पूछा क्या वो उस लड़की के साथ है जिसे हमने देखा था, कहने लगा नहीं। ऊपर वाला उसे अच्छे लोगों से मिलवाए बस। तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे वो है कौन? क्या वो सीरियस है? सीरियस बिल्कुल नहीं, बिना शादी किए ये सब हमारे बस की बात नहीं। पहले ही जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं है। मेरी तो यही दुआ है कि केमाल का घर आंसू के साथ और तारिक को भी कोई अच्छी सी घर बसाने वाली लड़की मिल जाए तो सुकून मिले। यही तो प्रार्थना है ऊपर वाले से। तुम्हें वापस कैसे मिली? इसे जैनब लेकर आई। बड़ा ही खतरनाक काम किया है उसने। ठीक है, सॉरी बॉस, आप अपनी बहन को इग्नोर नहीं कर सकते, पर उन्होंने बहुत ही गलत किया और ये सच है, और तुम्हें इस चीज़ को जाने देना चाहिए। देखिए, अगर आप अब से ये नहीं भूले तो आपका दिल कभी साफ नहीं होगा और आपकी पूरी ज़िंदगी में जहर फैल जाएगा, और ये ऐसा जहर होगा जो ना जीने देगा ना ही मरने। क्या इसलिए लोग तुम्हें जहर कहते हैं? तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी जहर में ही जी है। मैं भी एक तरह का जहर ही हूँ उन लोगों के लिए जिनसे मैं बहुत प्यार करता था। देखो भाई, निहान अब उस राक्षस के साथ है, तो बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। मैं पहले ही भूल चुका हूँ। मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। क्या ऑफर है? तुम प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे। मैं कुछ समझा नहीं। मैं कंपनी बनाता हूँ और तुम उस कंपनी को चलाना। अमीर को ये समझ नहीं आएगा कि वो कंपनी मेरी है और तुम उसे चलाना। पर किस लिए? एक बड़े टेंडर के लिए। तो आप उस टेंडर में बोली लगाओगे? बिल्कुल सही, तो क्या तुम मेरे साथ हो? इंश्योरेंस कवरेज तो दोगे ना? कोई पूछने की बात है?
हुसैन। तुम्हें क्या लगता है हमारा पोता होगा या पोती? अरे भला मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगता है लड़की होगी, मुझे फीलिंग आ रही है। मैं सोच रही हूँ उसे कुछ चाहिए होगा तो मुझे मेरा फोन दो जरा। इतनी रात को फोन मत करो। कसम से मैं सो नहीं पाऊंगी, आप मुझे फोन दो। किसका फोन है? हाँ, माँ का फोन है। हाँ माँ बोलो। तुम सो गई थी क्या? नहीं मैं बस बैठी थी। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ तो है। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तुम्हें इन दिनों क्या खाने की इच्छा हो रही है? हा? हाँ मुझे नहीं पता। सब कुछ। कोई ऐसी स्पेशल चीज जो तुम्हें खाने की इच्छा होती हो? नहीं माँ प्लीज, आप ये सब चीजें क्यों पूछ रही हैं? मुझ पर दबाव मत बनाइए। क्यों, और तुम पर कौन दबाव बना रहा है? कोई भी नहीं। कहीं वो चुड़ैल विल्डान तो नहीं है? नहीं। अच्छा कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट माँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना। तुम किसी चीज का इंतजार कर रही हो? नहीं। तो तुम रात भर इसे क्यों देख रही थी? नहीं बस तुम्हारे साथ टाइम का पता नहीं चलता है मुझे। क्या हम तुम्हारे कमरे में रहने वाले हैं? रात भर तुम वहीं खड़ी रहोगी? तो जब तुमने एक ही कमरे में सोने को कहा था तो तुमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया? कि तुमने हार मान ली है? नहीं कभी नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं अपनी पलक भी नहीं झपका सकती। क्या हमें फिर से शुरू करना होगा? इससे किसी को भी तकलीफ नहीं होगी जब उन्हें पता चलेगा कि हम कुछ टाइम के लिए अपने रूम में सो रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम खुद को मुझे एक बार सौंप दो तो, सिर्फ एक बार। इस रूम में सजावट का कोई काम करना है ये मैं बाहर बोल दूंगी, तुम भी यही बोलना। मेरी बीवी कितनी समझदार है। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। ज़्यादा टाइम नहीं है, कहाँ हो तुम?
कमरे से बाहर निकलो, निहान ने जाल बिछाया है। क्या? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगी? स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं थोड़ी हवा खाने आई थी। कुछ समझा नहीं? ये बात तुम दोनों पहले ही समझ गए थे। मुझे सच में नहीं समझ आया। कहाँ हो तुम? बस बहुत हो गया तुम्हारा। I'm sorry, really sorry. मैं तुम्हारी वजह से निहान को नहीं खो सकता। मुझे मैसेज मिला था, मुझे तुम्हारे फोन से मैसेज मिला था। आज के बाद तुम इस कमरे में कदम भी नहीं रखोगी, समझी? और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करोगी। तुम्हें बहुत मौके मिले हैं और ये आखिरी मौका था। मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, प्लीज। डॉक्टर, अब कितने हफ्ते और बचे हैं? 6 हफ्ते। शुक्र है, शुक्र है।
मुझे उम्मीद है वो हेल्दी पैदा होगा। टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है, जब हमारे बच्चे हुए तो ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, अब सब बदल गया है। शायद आप जिस हॉस्पिटल में गई वहां ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक्चुअली मैंने देखा है जब ज़ेनब होने वाली थी उस समय ये इतना कॉमन नहीं था। हाँ हाँ, आजकल के लोग कितने लक्की हैं। तो डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, ये उसके दिल की आवाज़ है। अच्छा, इसके जेंडर के बारे में कब पता चलेगा? अभी उसके लिए टाइम है, ये 16 या 17 हफ्ते में पता चलेगा। मेरा लड़का होगा, मुझे पता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मामा ज़ैनब डॉक्टर के पास गए हैं, पापा बाहर गए हुए हैं। तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं बहुत टेंशन लेना नहीं चाहता, कल रात की टेंशन के बाद तो मेरा सर अभी भी दर्द से फट रहा है। ज़ैनब हैंडल कर लेगी। उज़ान, तुम कितनी फिक्र करते हो ये देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम्हें क्या लगता है एमिर, अगर हमारा बच्चा होता तो मैं उज़ान को बताता एक अच्छा पिता कैसे बनते हैं? तुमने पहले ही बता दिया है कि तुम कितने अच्छे पति बन सकते हो, इतना ही काफी है। इस बहस से आप दोनों में प्यार तो बढ़ेगा नहीं, या फिर बढ़ेगा? आप लोगों को बैठ के आराम से बात करनी चाहिए। हमारा प्यार एक तरफा है उज़ान, तुम बिना शामिल हुए उससे छुटकारा नहीं पा सकते। पहला मौका मिलते ही शायद तुम्हें इससे छुटकारा पाने के बजाय इसे खत्म कर देना चाहिए, जैसे ही तुम्हें कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। अगर तुम खत्म करना चाहती हो तो माई डियर वाइफ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी स्टडी से कुछ लेकर आता हूँ, फिर हम ऑफिस साथ में चलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो क्या आप तुम दोनों एक ही रूम में रहने लगे हो? माफ करना, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, इसमें और किसी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे कमरे अभी भी अलग अलग है, पर इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे एक बात पूछूं, मैं जल्द से जल्द अपनी पेटर्निटी टेस्ट कब करवा सकता हूं? क्या ये 9 महीने से पहले नहीं हो सकता? हम टिकट या कुछ और यूज नहीं कर सकते? अरे कैसे टिकट माँ, हम हर बार इतने पैसे देते हैं, ये कितना बुरा है, इतने पैसों से कितने बच्चे पल जाएं। माँ ठीक है मैम। कौन है ये, तुम्हारा पति? हाँ मेरा पति। उसे चिंता हो रही होगी। हाँ बोलो। तुम कितने हफ्तों से प्रेग्नेंट हो? ये सब क्या है, क्या तुम्हें पापा वाली फीलिंग आ रही है? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। 6 हफ्ते। चलो चलते हैं। एक्चुअली सर, मैं सोच रहा था आपको मुझसे क्या बात करनी है। मुझे लगता है कि मिसेज आसू ने आपसे बात कर ली है। क्या आपने मुझे यहाँ पर मेरी माँ के बारे में बात करने के लिए बुलाया? मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। मैंने आसू से बात की थी, पर किसी और चीज के बारे में। मैं तुम्हारे साथ इस बदले के बारे में बात नहीं करना चाहता। आपका क्या मतलब है?
सर, क्या मैंने कोई गलती की है? तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है? तो इतने सालों के बाद आप मुझ पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आंसू ने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। आंसू चाहती है कि तुम चले जाओ, और मुझे लगता है ये इमोशनल डिसीजन है। तुम्हें अपनी फीलिंग भूलनी पड़ेगी, जबकि तुम बदला ले रहे हो। अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो। मुझे मंजूर है सर, मुझे मंजूर है। मेरे पास आपके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी, वो भी आंसू के सामने। जो भी करोगे आंसू के लिए करोगे, और तुम्हारी सारी वफादारी आंसू के लिए होगी। मिस्टर एमर, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। हाँ सर, बोलिए। तुमने एक बार बानू का कुछ किया था, याद है ना तुम्हें? तुमने उस वक्त मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। हाँ सर, मुझे याद है। और मुझे उम्मीद है अब भी तुम वैसा ही करोगे ज़ैनब के साथ। मिसेस ज़ैनब? वही डॉक्टर अरेंज करा। तुम ज़ैनब को उसके पास ले जाओ, और ये करने का प्लान भी तुम ही बनाओ। गांव का पुराना प्राइमरी स्कूल है। इसकी पहले मरम्मत होने वाली थी, पर थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट शुरू होने पर काम रुक गया। मतलब हमें फिर से सब शुरू करना होगा। हम वो कर लेंगे। चलो टीम बनाते हैं। लेला देखो, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओह, फ्रेस्कोस वॉल। मैं सोचती हूँ कौन सी सेंचुरी से होगा। नहीं नहीं डियर, हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं। हम जरूर यहाँ कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, पर हमें प्रोजेक्ट का सही इस्तेमाल करना होगा, वो भी सही जगह इन्वेस्ट करके। मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये एकदम सही समय है। देखिए, आप आसानी से ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती जो काफी समय से बंद पड़ा हो। तो हम जबरदस्ती पूरा करेंगे। हमने बजट बना लिया था, पर तुम अगर हमारे बिना करना चाहती हो तो क्या तुम इसके बजट को अच्छे से संभाल लोगी? मिस्टर किमाल, अगर मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं बजट संभाल लूंगी तो मैं ये कभी नहीं करती। पता नहीं था कि भरोसा इसका सलूशन है। तो आप बताइए इसका क्या सलूशन है? मिस्टर किमाल, भरोसा ही हर चीज की बुनियाद होता है, स्पेशली जहाँ पे पब्लिक बेनिफिट्स के प्रोजेक्ट्स हों। मुझे तो लगता है आप नहीं मानते कि ये स्कूल किसी काम का है, क्योंकि मैंने आपसे अभी तक ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी है। या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं। अगर आपको खुद पर इतना ही भरोसा है तो इस पर बात करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। पर आप बहुत जल्दी में हैं। और आप नहीं है क्या? ये इस जगह के लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आपको यहाँ के लोकल लोगों की चिंता है। तो और मुझे किस बारे में चिंता करनी चाहिए? खुद की चिंता करनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। ये कॉस्गो का प्रोजेक्ट है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लोग अपने फायदे के अलावा किसी का नहीं सोचते। मिस्टर केमाल, मैं सिर्फ मिस कॉस्गुल नहीं हूँ, मैं निहान हूँ। और हाँ, मैं जल्दी में हूँ। मिसेज आंसू, मैं और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। ज़रूर, हम जल्द से जल्द इसे शुरू कर देंगे। मैं गार्डन देख लेती हूँ, मुझे वहाँ की कुछ तस्वीरें लेनी हैं। इसका इरादा पक्का है? हाँ, वो बहुत जिद्दी है। मैंने सोचा हम आराम से बात करेंगे, क्या कोई और अच्छा कैफे नहीं था? माँ, आपको चाय पीनी है क्या? मॉम, आप क्या पीना पसंद करेंगी? हाँ ज़ैनब डियर, तुम्हें अपना हाथ इस तरह हिलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे। ऐसा क्यों?
हम उनके आने का इंतजार करते रहें, शायद हमें जल्दी हो। डियर तुम क्या पियोगी, शरबत या कुछ और लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर माँ वैसा शरबत तो आप घर पर भी पी सकती हैं। क्रैनबेरी या वैसा कुछ, वो सब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, कितना अच्छा हुआ है ना। ऊपर वाले की दया से हम अपने बेटे को अपनी गोदी में खिलाएंगे। मिसेस फहीमे, अभी तक डॉक्टर ने जेंडर नहीं बताया है। वो जरूर लड़का होगा, मुझे पहले ही पता है, देखा नहीं उसे कितनी भूख लगती है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पक्का लड़का होगा, लिखवा लो। मेरा सजेशन है, इस वहम पर यकीन मत कीजिए, अगर लड़की हुई तो। विल्डान जी, हमारे परिवार में पहले लड़का ही होता है। ये अच्छा है, लेकिन मैं कहती हूँ पहले लड़की ही होगी। ऐसा नहीं होगा, लड़का ही होगा, मैं जानती हूँ। मिसेस फहीमे, आप क्या करेंगी अगर लड़की होगी तो? क्या आप उसे हॉस्पिटल में ही दे देंगी? मुझे जाना होगा, ये इमरजेंसी है। बेटा हम अभी तो आए हैं, कहाँ जा रही हो? आप लोग यहीं बैठिए, मैं सीमा से मिलने जा रही हूँ, मैं भूल ही गई थी। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? हाँ। चलिए फिर कुछ पी लेते हैं। ठीक है, मैं चाय लूंगी, एक कड़क वाली चाय, उसमें एक छोटा सा नींबू डाल देना, छोटा सा टुकड़ा, छोटा छोटा। मुझे डबल एक्सप्रेसो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या मुसीबत है। हाँ जरूर, गार्डन में और भी बहुत कुछ करने को है, इसलिए हमें दो टीम बनानी होगी और बजट भी ऐसे। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मुझे लगता है मोच आ गई है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठो। पता नहीं ये कैसे हो गया। कहाँ लगा दिखाओ मुझे। ये थोड़ा सूज जाएगा। सही कहा, ये तो अब सूज जाएगा एकदम। कोई बात नहीं, इस पर बर्फ लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ बैंडेज मिलेगी क्या? आई एम सॉरी, तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ठीक हो जाओ पहले, फिर हम बात करेंगे। तुम यहीं बैठो, मैं कार से बैंडेज या पेन किलर लेकर आता हूँ। मेरी कार में फर्स्ट एड है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। जरूर जरूर, तुम संभाल लोगे, इंसानियत अभी तक मरी नहीं है। मर गई है। इंसानियत, भरोसा, प्यार, ये सब चीज तुम्हारी वजह से मर चुकी है। किमल, मैं तो बस यही। बस निहान, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तुम चुप रहो और मेरी सुनो, मुझे तुम्हें बचाने दो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मुश्किलों से आजाद कर रहा हूं। माँ, मैंने उन्हें कई सालों से एक भी बार धोखा नहीं दिया है, एक बार भी नहीं दिया, ना तो आंसू को ना मिस्टर हक्की को, पर अब आंसू मुझे दूर भेजना चाहती है। माँ, तुम्हारी किसी बात से वो परेशान हुई है? ऐसा नहीं है, अमीर समझने ही वाला था माँ कि मैं कौन हूँ। मुझे दोनों तरफ से खेलना था ताकि वो मेरे जरिए आंसू तक ना पहुंच सके। अगर वो नहीं मानता तो फिर मुझे अपने आप को खतरे में डालना पड़ता, पर मैं उन्हें कोई भी धोखा नहीं देता। आप एक बार सोचिए, केमाल ने आपको मुझे दिया, मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि
मैं उसका आभारी हूं। मैं निहान के साथ उसे जीने नहीं दे सकता मां, सिर्फ आंसू के लिए। केमाल को मैंने एमिर को भेज दिया ताकि केमाल वापस आ सके और आंसू हमेशा के लिए खुश रह सके मां। शायद तुम उससे इतना प्यार करते हो आंसू, दूसरी तरफ तुम इतनी तकलीफ में हो क्योंकि वो किसी और के साथ है। मैं चाहता हूँ कि आंसू खुश रहे, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि वो केमाल के साथ ना रहे। मैंने ही केमाल को उसके पास जाने दिया, पर मैं हर रात ये दुआ करता हूँ कि वो एक साथ ना रहे। मां, आंसू अपने लक्ष्य से भटक रही है क्योंकि वो केमाल से प्यार करती है। मां, आंसू के प्यार के कारण मैं बहुत दुखी हूं और उस बदले ने हम सबको बर्बाद कर दिया। मां, मैं और सहन नहीं कर सकता। मां, बहुत हो गया। क्या वो बदला लेने का कोई और तरीका नहीं है? तरीका तो है, एक तरीका बिल्कुल है। मैंने ब्रेक हाउस खराब कर दिया है, जल्दी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे बीच में रहना चाहिए, चिंता मत करो। अरे मिस्टर एमर, आप क्यों आए हैं? क्योंकि मेरी टीम इस जॉब पर है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम फील्ड पर आओगे। मेरी बीवी भी तो फील्ड पर है, तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए था? मिसेस आंसू, कैसी हैं आप? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस बहाना ढूंढ रहा था। तुम अगर मुझे बता देते तुम आने वाले हो तो मैं एक साथ आ जाती। हम एक साथ चले जाएंगे, वैसे भी मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हे ऊपर वाले, तुमने क्यों तकलीफ की? हम इसे तुम्हारे पास ले ही आते। इसमें कोई शक नहीं, पता नहीं आप लोग कब इसे ले आते। शायद जब वो यहाँ से फ्री हो जाती है। वो कहते हैं ना कि बॉस की बीवी कम काम करती है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलें। मिस आंसू के पैर में चोट आ गई है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं हम। गेट वेल सून मिसेस आंसू। थैंक यू, कोई बात नहीं। वैसे मिस्टर केमाल काम पर कोई एक्सीडेंट नहीं होने देते। आपके पास हेलमेट नहीं था? ये एक एक्सीडेंट था, और ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना? मैंने तो सोचा था कि तुम हर तरह के एक्सीडेंट के लिए तैयार हो। कोशिश जारी है मेरी, लेकिन हर चीज के लिए हम कभी भी तैयार नहीं रह सकते। निहान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कार के पीछे आ जाऊंगी। नहीं डियर, मैं खुद आ जाऊंगी। तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या हम चलें? जैसा तुम चाहो।
मैं सासू, हम बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मिस्टर केमाल, लेडीज आपकी देख रेख में है, चलो बेबी। एमिर, तुम्हें समझना मेरे लिए नामुमकिन है। अपने दिमाग पर जोर मत डालो डार्लिंग। तुमने मुझे काम करने के लिए कहा और फिर तुम यहाँ पर आ गए। तुम मेरे काम में रुकावट क्यों बनते हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, मेरे सामने नाटक मत करो। तो साफ साफ सुन लो निहाल, तुम अपने पति की कंपनी में काम कर रही हो, केमाल के नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब तुम उतनी ही देर काम करोगी जितनी मैं चाहता हूँ। तुम दुश्मन की ओर नहीं हो सकती, यही इस गेम का रूल है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब इस तरह नहीं चल सकता है। मैं लीला के पास जा रही हूँ अपने कार की चाबियाँ लेने। डार्लिंग, फिर लोग क्या सोचेंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि आमिर और नेहान उनके साथ खेल खेल रहे हैं? कम ऑन, चलो। कल रात आपका बकलावा भी इतना बुरा नहीं था वैसे। थैंक यू। तो आपने उसे कचरे में नहीं फेंका? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत बड़ा पाप होता। वो दरवाजे से आ रहा है क्या? वो आपका बड़ा बेटा नहीं है? वही तो है। और जो उसके साथ में है उसका नाम क्या है? बानू। कुछ दिन पहले एमिर से प्यार करती थी ये। एमिर से? हाँ, पर एमिर निहान के अलावा किसी को नहीं देखता। मैं बताती हूँ, ये लड़की थोड़ी सी अजीब है, पर आपका बेटा उससे प्यार करता है ना? आप कहाँ जा रही हैं? उन्हें हेलो नहीं कहेंगी? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं घर पर ही मिल लूंगी। शुक्रिया। चलो अब गुस्सा मत करो, मुझे लगा था कि तुम इतना काम नहीं करना चाहती हो। निहान, मेरे अंदर कई गुण हैं जो तुम नहीं जानते। एक दिन मैं वो सब जानना चाहूंगा, पर डार्लिंग तुम्हारी एक चीज तो मैं आज जान गया हूं, तुम्हें काम से बहुत प्यार है। तो क्या मैं अपने प्रोजेक्ट को सीरियसली भी ना लूं? मुझे नहीं पता, हो सकता है। जरूर, तुम्हारे लिए मैं तो सिर्फ पेंटिंग ही बना सकती हूँ ना। मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम ये कर सकती हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुमने इस प्रोजेक्ट के पहले कैसे अपने आप को इतना रोक के रखा था। वेल एमिर, तुम्हें जो सोचना है सोचो, ये मत सोचना कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ खुद के लिए कर रही हूँ। डार्लिंग, तुम बेकार में ही एक्साइटेड हो रही हो, ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कुछ खामियां हैं। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही कमी है, वो है बजट। मुझे लगता है वो जल्दी ही इकट्ठे कर लूंगी मैं। तो तुम कह रही हो कि तुम पैसों के लिए लोगों से भीख मांगोगी? तुम्हें तो ये लगता है ना मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। गलत मत समझना, पर तुम सोच क्या रही हो? मुझे लगता है जवाब देने से पहले तुम ये नहीं भूलोगी कि तुम निहान कोसगुल हो। तुम्हें जल्द ही जवाब मिल जाएगा, पेशेंस रखो। क्या हो गया? तुमने साइड में गाड़ी क्यों रोक दी है? लाइफ में ऐसी भी चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या मतलब? इंजन का खराब होना। इस तरह की कार में? वैसे ये भी तो इंसानों ने ही बनाई है। तुम चल सकती हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। किमाल, तुम्हें कार यहाँ ले आनी चाहिए, इसे नहीं चलना चाहिए।
क्या? मैंने कहा तुम्हें कार यहाँ ले आनी चाहिए। लैला, आप आंसू के साथ घर जाइए, मैं बाद में आता हूँ। तुम बाद में क्यों आओगे? मुझे हेडमैन से कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। तुम चिंता में हो ना? क्यों? इस बार मैं नाटक नहीं कर रही, मेरा पैर सच में मुड़ गया है। तुमने मेरा ख्याल रखा पर निहान ने कुछ नहीं किया, जेलस थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेलस थी या नहीं। फोन करना। ठीक है, मैं करूंगा। क्या हो गया है? तुमने हमें यहाँ अपने एम्बिशन के कारण रोका है। ये कार भी तुम्हारा पैशन देखकर चौंक गई है। अगर ये एम्बिशन के कारण हुआ है तो तुम पहले अपने जोक्स में सफल हो जाते। हम यहाँ एक फिल्म के रोमांटिक सीन की तरफ फंसे हैं। और क्या तुम मुझसे बहस करना चाहती हो? अब ये क्या हो गया? टायर फंस गया है। बस यही होना बाकी रह गया था। केमल, तुम कार को धक्का, तुम पीछे से धक्का मारो और मैं चलाती हूँ। क्या कहा? मैं धक्का मारूं इसे? मैं यहाँ सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। निहान, ये कार खराब हो चुकी है, तुम सोचना बंद करो। हम इसे धक्का कैसे मारेंगे? तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और तुमने रोड पर भी नहीं देखा। हाँ, मैं गुस्सा था तुम पर। मैं कह रहा था कि बात मत करो, तुम सुनती कहाँ हो? जो मन करता है बस वही करती हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देखो देखो, फिर से बोल रही हो। अरे यार, तुम्हारा मुंह नहीं रुक जाता जब देखो बक 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 बोले जा रही हो? चुप बैठो ना। मेरे पास मुंह है और जबान भी। हाँ, है पता है, पर अभी चुप रहो, समझ गई? एकदम चुप। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता क्या करेंगे, नहीं पता मुझे। अभी किसी को फोन करो। कैसे? मुझे नहीं पता, किसी को भी करो, हमें मदद की जरूरत है। हमारे लिए कार भेजो, हम रोड पर फंसे हैं। क्या तुम्हें घर मिला? बहुत अच्छा, वो 100 मीटर के बाद है। शे यार, सिग्नल नहीं आ रहा है। देखती हूँ। सिग्नल नहीं है? हाँ नहीं है, कोशिश करती रहो, और कर भी क्या सकते हैं। अब आगे बढ़ना है तो हमें चलकर जाना होगा। हम चलकर कैसे जाएंगे? पता नहीं, हमें चलना होगा जब तक हमें कोई गांव वगैरह ना नजर आ जाए। क्या वो आसपास ही है? होना तो चाहिए। आजा। क्या हमें बहुत चलना होगा? और क्या करें? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? अगर तुम चाहो तो कार में बैठ जाओ, और हाँ, खिड़कियां खोल देना ताकि जंगली जानवर वहां से आके तुमसे बातचीत कर सके। हाँ ठीक है। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे केमल? ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो चले। निहान, वो हमें लेने आएंगे, तब तक क्यों ना एक वॉक लिया जाए। नहीं, हम कार में रहते हैं। उन्हें यहाँ आने में कई घंटे लगेंगे। अब जिद छोड़ो और मुझे परेशान करना बंद करो। जैसे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है मैंने।
रोमांटिक वॉक्स के लिए जाना मेरी हॉबी है, पता है तुम्हें? हम सिर्फ चलेंगे, बातें नहीं करेंगे, समझे तुम? ठीक है। आपने कहा स्कूल कोसगुल की है और पावर स्टेशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मिसेज निहान कोसगुल की चैरिटी है, पर इसका कोसगुल पावर स्टेशन से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी इस अच्छाई से हमारे बच्चों को मदद मिलेगी। देखिए, मैं आपको इसका सच बताने के लिए आया हूँ। कोसगुल इस स्कूल का बहुत गलत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वो कैसे? अगर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट में कुछ भी दिक्कत होती है तो वो इस स्कूल का इस्तेमाल करेंगे उससे बचने के लिए। क्या आप रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? हाँ, रिश्वत की बात कर रहा हूँ। अगर वो स्कूल का गलत इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बताना, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। हे ऊपर वाले, हम इस तरफ से तो नहीं आए, क्या मैं गलत जा रही हूं? तुम्हारे पैर में सच में तो चोट नहीं लगी? नहीं, सच में चोट लगी है। तो फिर मैं गलत हूँ, मुझे लगा तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। कहीं निहान भी ऐसा ही तो नहीं सोच रही? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे नहीं पता, वो भी ऐसा ही सोच सकती है, क्योंकि वो जेलस नहीं हुई केमाल के परवाह करने के बावजूद। नहीं, मुझे नहीं लगता। तो आपको लगता है उसने इसे असली समझा, पर वो अनकंफर्टेबल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। सुबह सुबह जॉगिंग करने से तुम्हारा शरीर काफी मजबूत हो गया है डार्लिंग, मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। आह, कितना क्यूट है, हम दोनों खो गए हैं इतने बड़े जंगल में एक फिल्म की तरह। तो हम बिना पूछे अंदर चले जाएं? मैं नहीं लगता कि ये गलत होगा हमारे लिए। क्या करें, तुम्हें ठंड लग रही है ना, अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब मेरे लिए है केमाल। केमाल, कसम से तुम्हें एक एक्टर होना चाहिए था। मजाक बंद करो प्लीज। सच कह रही हूँ, तुम बिल्कुल हीरो लगते हो केमाल। तो फिर तो मुझे एक हीरोइन चाहिए होगी। एमिर, क्या कर रहे हो तुम? चलो वापस चलते हैं, यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं इससे पहले कि स्नो व्हाइट और वो बौने आ जाए। एमिर, हम यहाँ पर वेट करेंगे अगर तुम्हें यही सही लगता है तो। As you wish, darling. मिलकर अच्छा लगा आपसे, ध्यान रखिए अपना। तुम गलत सोच रही हो, मेरी कोई गलती नहीं है, हमारी गाड़ी खराब हो गई इसलिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं, बस ऐसा हो जाता है कभी कभी डार्लिंग, एक्सीडेंट के बहाने ही सही हम साथ तो हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपना कीमती समय मेरे साथ बिता रही हो बजाय उस केमाल के। तो तुमने कर ही दिखाया, तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आए। शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब किस्मत का खेल है। हमें यहाँ घंटों रुकना है, तो तुम अपने पति को बता सकती हो कि तुमने केमाल के साथ क्या किया है। शायद हम भी वो कर सकते हैं और इससे तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। ठीक है,
तुम सोचो इस बारे में, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। जैसे तुमने अपनी जिंदगी को पका रखा है। मैं स्पगेटी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। स्पगेटी तो कोई भी बना सकता है। मैं तुम्हारे लिए एक स्पगेटी बनाऊंगा और एक सॉस। वैसे मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पसंद है डार्लिंग। तो तुम कह रहे हो एक सॉस भी होगा। मेरे कॉलेज में एक इटालियन दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम इससे एक लड़की का दिल जीत सकते हो। तुम और सीख भी क्या सकते थे, ये कभी काम किया भी है तुमने? तुम मुझे बताना, ये मेरा पहली बार है। मुझे यकीन नहीं होता तुम्हें पता नहीं था। मतलब तुम बहुत लकी हो ज़ैनब। हंसना बंद करो सेमा, मेरा वजन बढ़ गया है। तुम ये नहीं बता रही कि मैं क्या कर सकती हूँ, बस मजाक उड़ा रही हो मेरा। देखो ज़ैनब, अगर तुम झूठ बोलोगी तो ये तो होना ही है। सेमा, मुझे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है क्या मतलब है? ओजा नहीं चाहता है क्या? नहीं, वो चाहता है, वो तो बहुत चाहता है। मुझे भी डर है कहीं मेरा मिसकैरेज ना हो जाए, मैं बहुत कमजोर हूँ। ओहो, लेकिन अगर तुम ख्याल रखोगी तो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी और जन्म में हम दोनों इस तरह अकेले कैबिन में हो तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? तुम ये सपने में भी सोच मत लेना कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। किसी और जन्म में भी नहीं? हाँ, दूसरे जन्म में भी नहीं। मैं एक बिल्ली होंगी और तुम एक कुत्ते, और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। या चूहा बिल्ली भी हो सकते हैं, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। और तुम मुझे फिर पकड़ लोगे हमेशा की तरह। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मैं एक पिंजरे में बंद हूँ और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमेशा चूहे का ही पीछा क्यों होता है? क्योंकि वो भागते ही रहते हैं। क्योंकि भागते रहते हैं। अगर तुम मुझसे दूर नहीं भागोगी और तुम मुझे एक मौका दो तो हम शायद एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। कोशिश तो करके देखो। मुझे पसंद नहीं आई तो जबरदस्ती तो नहीं करोगे? हाँ, इस बार तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? जो तुम्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही है। तुम ऐसी औरतों से क्या चाहते हो जो तुम्हें नहीं चाहती हैं? मैं चाहता नहीं हूँ, मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है निया। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम ये जानते हो। पर तुम कर सकती हो, तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जब तुम बच्ची थी तब भी मुझे ना कर दिया था। तुमने मेरे साथ कभी कोई खेल भी नहीं खेला। हम बच्चे थे अमिर। पर तुम तब भी नहीं चाहती थी,
और बड़े होने के बाद भी नहीं। तुमने कोशिश भी नहीं की। क्योंकि तुमने ऐसी सारी चीजें की हैं जिससे मैं ऐसा करूं, सिर्फ एक ही चीज छोड़कर। क्या? वो क्या है जो मुझे नहीं पता निहान? तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुमने जिंदगी में कभी भी मुझे मेरे फैसले लेने ही नहीं दिए। मुझे माफ कीजिए मिसेस ज़ैनब, इस बार आप बहुत लकी थी और आप बच गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब मैं लकी थी? आप सही हैं, पर आपको और ध्यान से रहना चाहिए। जरा सोचिए इस बात को। अब आप पर दो जिंदगियों की जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ आइए प्लीज, या फिर आप किसी और कार से मारी जाएंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं मिसेस ज़ैनब। अगर तुमने निहान के मन में कोई शक पैदा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। मैंने तुम्हें कई मौके दिए और ये आखिरी मौका था। मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। मैं खुद चल के जा सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मिसेस ज़ैनब, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मिस्टर अमीर मेरे से नाराज हो जाएंगे। प्लीज मेरे साथ चलिए मिसेस ज़ैनब। ठीक है, तो फिर चलो, मैं चलती हूँ। ठीक है, आइए। हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सब्र रखिए। भेजी है, जल्दी आइए, मुझे आपकी जरूरत है। क्या कर रही है सर?
तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे चाहो। मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, शायद ऐसी ही चीज होनी चाहिए। क्या फिर तुम मुझसे प्यार करोगी? मुझे तो पता नहीं, पर शायद मैं तुमसे नफरत ना करूं। तुम ऐसे आदमी से प्यार करती हो जो मुझसे आधी कोशिश भी नहीं कर रहा। तुम्हें कैसे पता कि उसने कुछ नहीं किया? वो तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। हाँ, वो मुझे तुम्हारे जैसा प्यार तो कभी नहीं कर सकता। सच में मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम स्वार्थी हो, पर किमाल ऐसा नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरी खुशी पर ध्यान रखता है, ना कि खुद की खुशी पर। मैं उससे प्यार करूं इसलिए वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। वो खुद भूल सकता है, पर किसी और को तकलीफ कभी नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम निहान को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो उसे ले जा सकते हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तुमने उसके लिए क्या किया है? तुमने बस मुझसे पीछा छोड़ा है और कुछ नहीं। पर मैं उसके लिए लड़ा हूं। मैं वो हूं जो उसके लिए लड़ा हूं। तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हो। और आता क्या है तुम्हें? निहान ऐसी लड़की है जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ सकती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जानते हो ना, तुम निहान को इस तरह से नहीं पा सकते हो। एक दिन करके दिखाऊंगा। निहान समझ जाएगी कि मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, समझे तुम? वो नहीं समझेगी। वो जरूर समझेगी। मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं निहान के लिए पाप भी कर सकता हूँ। मैं उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। इस पूरी दुनिया को जला सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ। पर तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता मिस्टर केमाल? मैं शांत रह सकता हूँ ताकि उसे तकलीफ ना पहुंचे। तुम तो मार सकते हो, पर मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा प्यार मतलब ही नहीं है, सच्चा प्यार है हमारा। मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, समझी? एमिर, तुमने पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की है। तुमने मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बस बड़ा है। इससे अच्छा होता तो मुझे मार देते। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए निहान, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम किसी और के साथ बहुत खुश रहोगे, कोई और जो तुमसे प्यार करती हो, समझे तुम? क्या तुमने ऐसा किया है? क्या तुम किसी के साथ खुश रही हो? क्या तुम केमाल के साथ खुश थी? तुम यही हो एमिर, तुम कभी नहीं बदल सकते हो। अगर मैं तुम्हें एक मौका भी दे दूं तो भी नहीं। तुम ऐसे ही हो। अगर केमाल से भी मैं कभी मिलती नहीं तो भी ऐसे होते। तुम नहीं बदल सकते। आज के लिए बहुत हो गया, चलो यहाँ से। चलो। कहाँ ले जा रहे हो? हमारी पुरानी जिंदगी में, जहाँ तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ो। हम पहुंच गए। मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एमिर जैसे नहीं हो। मिसेस ज़ेनब, मुझे लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसा ही हूं। मैं किसी और की बात नहीं मानता हूं।
मैम प्लीज कार से बाहर निकल जाइए। आप चलिए मैं अभी आता हूं। मिसेस ज़ेनिप, अपने दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। काम हो गया? सर एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? निहान एमिर दोनों एक ही कार में बैठे हैं। धीरे चलाओ। कस के पकड़ो निहान। एमिर तुम ये क्या कर रहे हो? कस के पकड़ो। क्या हुआ डियर? तुम्हें पक्का पता है? उस कार को अभी रोको और देखो मैं नहीं चाहता कि निहान के साथ कुछ भी बुरा हो। आंसू शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम यहाँ पर हो। प्लीज मेरी मदद करो। सिनिप क्या हुआ तुम्हें? तुमने इस बारे में सुना इसलिए तुम आई हो। क्या तुमने सुना कि वो मुझे यहाँ ला रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैं तो वो यहाँ रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आई थी। कहीं हमारे डॉक्टर सेम तो नहीं? आंसू सुनो, एमिर चाहता है कि मैं ये बच्चा गिरा दूँ। मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? हिम्मत? वो जानवर है, एक नंबर का। तूफान भी उसके लिए काम कर रहा है। वही मुझे यहाँ लाया है। प्लीज आंसू मेरी मदद करो ऊपर वाले के लिए। सेनेप, कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा एमिर का है? नहीं बिल्कुल नहीं। और क्या तुम इसे गिराना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। चलो फिर चलते हैं, आओ मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरे साथ चलो बस। मिसेज आंसू, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। मैं इस लड़की को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। मुझे सच में नहीं पता आप किस बारे में बोल रही हैं। वो यहाँ क्लिनिक आना चाहती थी और मैंने सिर्फ इनकी मदद की है और कुछ नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलिए मैम चलते हैं। नहीं, कह देना एमिर से जब तक मैं ज़ेनिप के साथ हूँ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। कह देना उसे कि मैं इसे ले गई और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करे। अगर तुम में ये कहने की हिम्मत हो तो कह देना अपने एमिर से। चलो। तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा तूफान। आंसू के लिए वफादारी दिखानी होगी। इस वक्त जरूरी है कि तुम ये दिखाओ कि तुम आंसू के लिए क्या कर सकते हो। इस बार मेरे पास आपके लिए खबर है। मैं सुन रही हूँ। ज़ेनिप का प्यार उसके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। एमिर चाहता है कि वो अपना बच्चा गिरा दे। क्या मतलब? क्या वो ओसान का बच्चा नहीं है? ऊपर वाला ही जानता है। एमिर अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम कैसे जानते हो?
डॉक्टर के पास उसने भेजा था? मुझे उसे वहाँ लेकर जाना ही होगा, मिस्टर एमर ने बताया था। तुम ऐसा करोगे? बदतमीज कहीं के। मुझे करना ही होगा क्योंकि एमर ने मुझ पर नजर रखी है, नहीं तो उसको शक हो जाएगा। मैं भी वहाँ आऊंगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं भी ऐसे कुछ सोच रहा हूँ मिसेज आसू, मैं आपको टाइम और डेट बता दूंगा। अब हमें यही देखना होगा कि वो यहाँ पर आता है या नहीं। मैंने तुम्हारे साथ समय बिताने की कोशिश की पर कुछ नहीं बदला, तुम्हें इंसानियत ही नहीं है। और ये तुम्हारी इंसानियत है सिर्फ 3 मिनट के लिए? जो समझता है उसके लिए बहुत है। गाड़ी धीरे करो, मुझे पागल मत बनो। गाड़ी धीरे करो। आसू, आसू, हम नहीं जा सकते। एमिर के साथ होना पहले से ही बहुत बड़ी गलती थी, पर तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया। अरे ये उस बारे में नहीं है, मैंने केमाल भाई को मैसेज कर दिया था। क्या? मैंने उन्हें अपनी लोकेशन भेजी ताकि वो मुझे लेकर जाएं। उफ़ ज़ेनब, मुझे कैसे पता होता कि मैं तुमसे मिलूंगी? अगर ऐसा पता होता तो मैं ऐसा थोड़ी करती। तुमने मुझे ही मैसेज कर दिया होता। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? हम वापस क्लिनिक जाएंगे और तुम्हारे भाई का वहीं इंतजार करेंगे। अरे मैं उन्हें क्या कहूँगी? वही सोच रही हूँ। मैं बस पहुँच रहा हूँ। तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी पर तुम केमाल को नहीं छोड़ पाई। एमिर, क्यों? एमिर, एमिर प्लीज गाड़ी धीरे करो, प्लीज गाड़ी धीरे करो। एमिर, एमिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा गाड़ी धीरे करो। एमिर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज धीरे करो। ठीक है, मैं धीरे करता हूँ, करता हूँ। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? निहान कस के पकड़ो। ये क्या हो रहा है? कस के पकड़ो निहान। क्या आप यहाँ एक एम्बुलेंस भेज सकते हैं? यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, 2 लोग कुर्नकोई एग्जिट के बाद बेल्टवे से पहले आखिरी मोड़ पर। जल्दी कीजिए। ज़ैनब, तुम ठीक हो? भाई। ज़ैनब पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ क्या? चिंता मत करो, वो ठीक है। तुम यहां पर क्या कर रही हो आसू? ज़ैनब, वो मैसेज क्या था? मैं आपको सब बताती हूँ भाई। मैंने तुम्हें वो मैसेज भेजा था,
तुमने क्यों भेजा था? मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, पहले यहाँ से बाहर चलें किसी शांत जगह पर। निहान, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? निहान, तुम ठीक तो हो? किसी ने हमें मारने की कोशिश की। किसने? मुझे नहीं पता, पर मैं उसे खुद ढूंढ कर पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नजीब, तुम उसे अभी भी नहीं पकड़ पाए? देखिए, मैं उनसे आगे नहीं निकल पाया और उनके ब्रेक तो पहले ही फेल हो गए थे और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या वो जिंदा है? क्या तुमने देखा? मैं उनके पास नहीं जा पाया, पर मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। क्या हो गया? डैड, कुरना कोई वाले रास्ते पे कैमरा रिकॉर्डिंग ढूंढी है। अब क्या हुआ? क्योंकि निहान और मेरा अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। क्या? आखिर तुम लोग हो कहां पर? ऊपर वाले का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। हमें ढूंढना होगा कि ये किसने किया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। अगर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं और तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है तो तुम्हें मुजरिम को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी होती है। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ और तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो और मैं वहां पर तुम्हारे लिए कार भेजता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, दरअसल मुझे अभी जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं है? दरअसल मेरे बेटे और मेरी बहू का एक कार एक्सीडेंट हो गया। ऊपर वाले, वो ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक तो है वो लोग। चले चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा सैनब, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बच्चा क्यों गिराना चाहती हो? बच्चे को मारना चाहता है इनकेस अगर ये उसका हुआ तो। वो मुझे भी मार देगा, वो जानवर है, वो सिर्फ निहान के साथ रहना चाहता है। वो इसके लिए कुछ भी करेगा ताकि वो निहान को कहीं ना खो दे। अब तुम निहान और आमिर की बातें बंद करो, मुझे सच बताओ सैनब, ये बच्चा आमिर का है? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, ये उजान का बच्चा है। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? मुझे नहीं पता, पर तुम मेरी आंखों में नहीं देख रही। सैनब, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम मुझसे नजरें छुपाओ। सिर्फ मैं ही तुम्हारा दर्द महसूस कर रही हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा। मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पेट में आमिर का बच्चा है? मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। तुम्हारा भाई बहुत सारे सवाल पूछेगा, पता नहीं तुम क्या सोच रही थी उसे फोन करते समय।
पर हमें जवाब के साथ तैयार रहना होगा। ठीक है, मैं उन्हें वही बताऊंगी जो तुम चाहती हो, प्रॉमिस, मैं वही बताऊंगी। बताना ही पड़ेगा क्योंकि कोई चॉइस भी नहीं है। वो तुमसे पूछेगा ये बच्चा क्यों गिराना है, और मैं तुम्हें बताऊंगी एक एक शब्द जो तुम्हें बोलना है। वो बस मुझे परेशान करते रहते हैं, अहमर और वो विल्दान मॉम भी। क्या कहा अहमर? तुम्हारे साथ उसने क्या किया? वो अकेला ही नहीं है, यहाँ तक कि अफसाने भी मुझ पर नजर रखती है। उन्होंने मुझे उस घर का सदस्य नहीं माना। वो मुझे परेशान करते हैं, मैं थक चुकी हूँ ऐसी जिंदगी जीकर भाई। मुझे लगता है हम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं अपना बच्चा गिराना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे साथ कोई है। तुम भी ना सहन अब्बा, मैंने तुम्हें अपने घर की चाबी दे रखी है। मैंने कहा था कि मेरे घर में आराम से रहो, क्यों नहीं किया ऐसा? उजान के लिए, उजान अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, मैं उसे जबरदस्ती नहीं निकाल सकती। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, पर तुम जो चीज करने जा रही हो ये इसका सलूशन नहीं है ज़ैनब। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं उस घर में मेंटली डिप्रेस हो गई थी। क्या आपको लगता है मुझे पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैंने ज़ैनब से बात की है, उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर लगता है यही एक तरीका है। मैंने ही उसके फोन से मैसेज किया था इसीलिए। ज़ैनब, क्या तुम उस घर में, क्या इस शादी से तुम खुश नहीं हो? बताओ मुझे, प्लीज मुझे सब सच बताना। मैं उजान से प्यार करती हूँ, पर मुझे उस घर में डर लगता है। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है। भाई, सच तो ये है कि मैं आपके साथ थोड़े दिन रहूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं सब कुछ ठीक भी कर लूंगी। ये भी कोई बोलने की बात है, वो तुम्हारा ही घर है, पर पहले तुम्हें उजान को बताना होगा। यही सही है, उजान को बताए बिना तुम कुछ नहीं करोगी। ठीक है। अंकल का फोन है। हेलो अंकल। क्या तुम जानती हो अमीर का एक्सीडेंट हो गया है? क्या मतलब है? मैंने सुना है अमीर और निहान का एक्सीडेंट हो गया है। जरूर कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारा इस एक्सीडेंट से कुछ लेना देना तो नहीं है? नहीं, मैंने तो आपसे ही सुना। मिस्टर हकी ठीक तो है ना? अमीर और निहान एक्सीडेंट हो गया उनका। किसने भेजा तुम्हें यहाँ? क्या आपने कॉल नहीं किया था? नहीं, हमारे पास हेडक्वार्टर से कॉल आया था, तो हम नहीं बता सकते कि किसका था। किसी और ने किया होगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ हुआ क्या? ज़ैनब, हम ठीक हैं। तुम्हें कैसे पता चला? बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं। क्या हुआ और कैसे? कार खराब हो गई थी, हम रास्ते में भटक गए थे। चिंता मत करो। तुम इस जगह पर एक खूनी जैसे लग रहे हो। आपको ढूंढने से मतलब था? एम्बुलेंस आ चुकी है, हमारा चेकअप कर लेंगे वो। तुमने सोचा कि हम मर गए? हमें जिंदा देखकर सरप्राइज हो? मुझे लगता है आपके बहुत दुश्मन हैं, लेकिन हम दोस्त हैं, मदद करने आए हैं। मुझे ऐसी एम्बुलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। एमिर, सर देखिए प्लीज, आप ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए। अब बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? एमिर, किसने भेजा है तुम्हें? कहीं तुम्हें केमाल सोएदार ने तो नहीं भेजा? क्या तुम उससे ऑर्डर्स ले रहे हो? क्या तुमने ब्रेक फेल किया? वो क्या बकवास कर रहा है? वो मुझ पर शक कर रहा है।
सब। एमिर बंद करो, यहाँ आओ। तुम देख दो। तुम पागल हो गए हो, इसमें किमाल का क्या लेना देना है बताओ। निहान मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और सबसे बड़ा दुश्मन केमाल सोएदार है। और दूसरी बात, जब हम कार में बैठ रहे थे तो आखिरी बार उसी ने देखा था। केमाल तुमसे नफरत जरूर करता है पर वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करा सकता। या फिर उसने सोचा होगा कि वो तुम्हें आकर बचा लेगा। उसने मुझे भी तुम्हारे साथ में देखा। मतलब वो दिल से हमारी शादी के खेल को सच मानता है और पुरानी सारी बातें भूल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब से तुम भी केमाल के दुश्मन हो। तुम केमाल की कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूँ तुम मुझे कैसे रोकोगे। मैं उसे हमारी शादी के खेल के बारे में बता सकती हूँ, समझे तुम? मुझे तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलना है क्योंकि मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने हमें मारने की कोशिश की। नहीं करूंगा कंप्लेंट। अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे केमाल है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। जहर, मुझे नहीं पता पर एक्सीडेंट तो हुआ है और एमिर को मुझ पर शक है। सच में आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट है? एमिर के गुस्से को देख के ऐसा नहीं लगता है। वो कुछ कह रहा था कि ब्रेक खराब हो गया। निहान भी उसी कार में थी, वो मर सकती थी जहीर। शुक्र है ऊपर वाले का जो बच गए। इस बार तो उसे बचा लिया पर अगली बार के लिए मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। भाई आप जानते हैं, क्या हम इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जिसने भी ये किया है वो मुझे फंसाना चाहता है, इसलिए हम ये कभी नहीं भूल सकते। और तो और वो इसमें कामयाब नहीं हुआ, इसका मतलब वो दोबारा कोशिश करेगा। बात तो आपकी सही है। निहान की जिंदगी खतरे में है इसलिए मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। निहान को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तुमने सब खराब कर दिया नसीफ। क्या होता अगर उसकी पत्नी मर जाती? हाँ क्या होता बताओ मुझे, अगर वो दोनों मारे जाते? हा? मैंने तुमसे क्या कहा था नसीफ, बताओ मुझे। नसीफ क्या कहा था मैंने तुमसे, बताओ मुझे। अगर मुझे पता होता आप उसे मारना चाहते हैं तो वही उसे गोली मार देता। नसीफ मैं ये बहुत पहले ही कर सकता था। मैंने ये प्लान किया था ताकि ये एक्सीडेंट लगे, पर देखो तुमने क्या कर दिया, सब बर्बाद कर दिया तुमने। क्या मैं तुम्हें गोली मार दूं? मार दूं मैं तुम्हें? बताओ मुझे। तुम्हें गोली मार देता और खत्म करता हूं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ लड़की भी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए था ना सिर्फ, तुम्हें उसे कार में जाने से रोकना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था तुमने। मैं ये काम कर सकता हूँ और एक और काम कर सकता हूँ कि मैं हक्की सर से बात कर सकता हूँ। नहीं तुम नहीं कर सकते नसीफ। वो क्या कहेंगे तूफान भाई, उन्हें बताना मेरे लिए बहुत आसान है। क्या तुम उन्हें बता पाओगे कि तुम दोनों तरफ से खेल रहे हो? नसीफ तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो कर दिया। अगर तुम मुझे फंसाओगे तो मैं अपना पीछा छुड़ा लूंगा, हकी सर को बता के तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगा और उसके बाद तुम गए काम से, मुझसे पंगा मत लेना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उन लोगों ने मुझे एग्जामिन किया है। क्या सच में किसी ने हमें मारने की कोशिश की है? वो केमाल तो नहीं था। अगर मैं तुम्हारे सिक्स सेंस पर भरोसा करूं तो एक और आदमी बचता है, तुम्हारा भाई।
पापा मैं यही हूँ, भाई मैं यही हूँ, माँ के लिए वापस आऊंगा, जल्दी मिलते हैं। मेरा ब्लैकमेलर, जैसे कि तुम जानती हो मेरे बहुत दुश्मन हैं। कैसा नहीं हो सकता ब्लैकमेल, तुम्हारा भाई ही कर रहा हो। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, अगर ये हुआ तो क्या करोगे? तो मैं उसे देखते ही मार दूंगा, समझ गई? हाँ डैड, तो आपको मेरा खूनी मिला? मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, हम तुम्हारे घर आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है। वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो लोग रास्ते में ही हैं। वो तो इस एक्सीडेंट को भी बिल्कुल भी सिंपल नहीं मान रहा है, उसे पक्का लगता है इसके पीछे कोई है। ऑन्डर, अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या करते? तुम्हें क्या ये एक्सीडेंट सिंपल एक्सीडेंट लगता? मुझे इस बारे में ओजान को बताना होगा, वो चिंता कर रहा होगा। बिल्कुल, तुम्हें ओजान को बताना ही चाहिए ज़ैनब, वो चिंता कर ही रहा होगा। तुम्हें चिंता हो रही है कि क्या हो रहा है ना? मुझे भी हो रही है, ये सच है। माँ, भाई, हम माँ को नहीं बताएंगे कि मैं आपके साथ रह रही हूँ। मैं ये सब नहीं बताना चाहती उन्हें। तुम ये क्या बात कर रही हो ज़ैनब? तुम सही नहीं कर रही हो। तुमने अपना बच्चा गिराने की कोशिश की, वो भी ओजान को बिना बताए, बिना कुछ सोचे समझे। तुमने इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कैसे की? वो पहली बार गुस्सा हुआ, तुमसे थोड़ा नाराज हुआ और तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। आपका पूरा हक है केमर। ज़ैनब अब बिल्कुल ठीक है, तो सब खत्म, शांत हो जाओ। मुझे लगता है वो आ रहे हैं। किसके लिए काम करते हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? केमाल सोहेदार ने ना? क्या उसके ऑर्डर्स ले रहे हो? क्या तुमने मेरा ब्रेक फेल किया है? अब तुम क्या करोगे केमाल? मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। इल्जाम अपने ऊपर से हटाने जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम दोनों यहीं रहोगी, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें उस घर में अकेले नहीं जाने दूंगी। पर मुझे अपने पति को बताना होगा, अगर मुझे यहाँ रुकना है तो। वो लोग आ गए। निहान, माय डियर। बेटा, तुम ठीक तो हो? आप मुझे गले नहीं लगाना चाहेंगे डैड? शुक्र है भगवान का तुम दोनों ठीक हो। जब तक पता नहीं चलता ये किसका काम है, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? मुझे किसी पर झूठा आरोप लगाना पसंद नहीं है। देखो, तुम्हारे अलावा किसी ने भी वो टर्न नहीं लिया, तुम खुद देख लो। एक्सीडेंट से सिर्फ आधा घंटा पहले, कोइंसिडेंस है। मुझे नहीं लगता। क्या केमाल ने? क्या वो ऐसा कर सकता है? पर मेरी पत्नी कह रही है वो नहीं कर सकता। मुझे लगता है वही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है मैं जीतूंगा। हमसे सिर्फ 20 मिनट पहले ये गुजरा था। बिंगो। सर, केमाल जी आए हैं। ये पक्का करने आया हो कि हम मरे कि नहीं? भाई प्लीज आप शांत हो जाइए। हमेशा की तरह तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया।
तुम यहाँ अच्छे होने की दुआ देने नहीं आए हो। देखो हम जिंदा हैं, तुम हमें नहीं मार सके और ना ही कभी मार सकोगे। केमल चलो यहाँ से। सॉरी, ये ठीक टाइम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। कुछ भी बुरा होता है तो तुम मुझे जिम्मेदार ठहराते हो। अगर तुम कह रहे हो तो ये ठीक ही होगा, क्योंकि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना मिस्टर केमल। मेरा एक्सीडेंट से कुछ लेना देना नहीं है, और बार बार तुम्हारा मुझ पे इल्जाम लगाना, मैं इस चीज से परेशान हो गया हूँ। बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ नहीं है, बस तुम दोनों जल्दी ठीक हो जाओ। पर हमारे पास बताने के लिए कुछ है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम उस मोड़ पर क्या कर रहे थे, वो भी हमारे एक्सीडेंट से पहले? अब ये मत कहना कि तुम उस कार में नहीं थे। मुझे कुछ देखना था, मैंने देखा और मैं फिर वहां से मुड़ गया। वहां एक ही रास्ता है जहां से वापस जा सकते हैं। केमल प्लीज यहां से चले जाओ, या फिर मैं इसे सच मान लूं। क्या तुम भी तुम्हारे पति की तरह ही सोच रही हो? मैं सिर्फ पूछ रही हूं। मत पूछो, क्योंकि तुम नहीं पूछ सकती। तुम चलो। तुम अभी भी मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर मुझे तुम्हें मारना होगा ना, तो मैं ऐसी घटिया चाल नहीं चलूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ये करूंगा, ये तुम भी जानते हो। ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है? उज़ान, ये लंबी कहानी है। ज़ैनब तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। मैं तुम्हारा वेट करता हूँ ज़ैनब। उज़ान, मुझे कुछ दिन भाई के साथ रहना है। पर क्यों ज़ैनब, ऐसा क्या हो गया? मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, और इसके अलावा मैं इस घर से कुछ दिन दूर रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ सेफ फील नहीं होता। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? इस परिवार में सब मेरा अपमान करना चाहते हैं। अगर मैं किसी से हाय हेलो भी करती हूँ तो भी मुझे शक की नजरों से देखते हैं। मैं थक चुकी हूँ। एक प्रेग्नेंट औरत को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, पर इस घर में मुझे सिर्फ टेंशन ही मिलती है। मैं अपने बच्चे के साथ कुछ दिन शांति से बिताना चाहती हूँ। प्लीज उज़ान, मुझे अच्छा लगता है जब मैं भाई के साथ होती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे भी तुम्हें सेफ फील नहीं होता? चलो, तुमने बहुत सुन लिया है। चलो, मेरा वो मतलब नहीं था, पर हाँ कह सकते हैं, पर उन्होंने मुझे नहीं सुना। उज़ान, मैं इसका सामना नहीं कर सकती, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शांत हो जाओ, तुम्हें जो कहना था कह दिया। मुझे मारना तुम्हारे लिए आम बात है। अब मैं ये ठीक से समझ गया कि निहान ने मुझे क्यों चूज किया। चॉइस जैसी कोई चीज नहीं थी, पर नतीजा तुम्हारे सामने है। निहान हमेशा से मेरी थी और अब भी मेरी ही है। निहान ने मुझे चुना है, अब तो तुम ये समझ ही गए होगे। हाँ, मैं ये समझ गया। अब बहुत हो गया है, मैं थक चुकी हूँ। पर ये बताना जरूरी है, वो आज जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से।
मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे देती हूँ, तुम जाओ शावर ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? नहीं, मैं अभी थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। केमाल, तुम्हें उस आदमी से बचकर रहना चाहिए, तुमने उसे कई मुसीबतों में डाला है। मैं ये तभी करता हूँ जब वो परेशान करते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है। अब तुम क्या करोगे? तुम ये सारी बात नहीं मानोगे कि ये किसने किया और क्यों किया? तुम पता लगाओगे कि निहान को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम सही हो, मैं भी यही करती या इससे भी ज्यादा, अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती तो। आसो, क्या तुम प्लीज ज़ैनब के साथ रहोगी? मेरा मतलब तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो, मैं नहीं चाहता कि वो अकेले रहे। तुम्हें तो पता ही है औरतों की बातें, पर चिंता मत करो, मैं उसके साथ हूँ। केमाल, ध्यान से रहना। ज़हीर, मैं आ रहा हूँ, फिर हम साथ चलते हैं। जो हुआ तुम्हें उसके बारे में पता है? आज के बाद मुझे इस नंबर पर फोन मत करना। अच्छा चलो बताओ, तुम इस बारे में क्या जानते हो, या कोई कनेक्शन है? मुझे इस सब के बारे में क्लिनिक से निकलने के बाद पता चला, मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही था, इसकी पूरी डिटेल जानना चाहता हूँ मैं। तुम डिटेल जानना चाहते हो या बचना? क्योंकि ज़ैनब वाले मिशन में तो तुम कामयाब नहीं हो पाए ना। तुम जानती हो कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाया, मेरा मतलब है कि मैं ये क्यों नहीं करना चाहता। सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है ये किसने किया? अभी तक नहीं पता चला। तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, पर टेक्निकली तुम अभी भी हमारे लिए काम करते हो। अगर मेरे पास कोई न्यूज़ आती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम ठीक तो हो? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, बिजनेस। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। मुझे नहीं पता आज मैं क्या करती अगर तुम नहीं होती तो। मैं तुम्हारी सिंपैथी को लेकर थोड़ी चिंता में थी, पर सच कहूँ मुझे थोड़ा शक था, पर आज से मैं तुम्हारी हर सलाह को हमेशा मानूंगी। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, तुम एमिर से दूर रहना, और उससे भी ज्यादा अगर ये बच्चा उसका है तो और भी ज्यादा सावधान रहना, और ये सीक्रेट ही रखना कि ये बच्चा उसका है, किसी को मत बताना। तुम देखना, थोड़े ही समय में भाई तुम्हारी कीमत समझ जाएंगे, और देखना वो बहुत जल्द होगा। हमें नहीं पता लाइफ हमारे सामने क्या लाएगी ज़ैनब, लेकिन जब तक हम सही रास्ते पर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मेरे साथ।
ठीक है। टेक्निकल टेस्ट हुए और उससे पता चला है कि कार के अंदर ही प्रॉब्लम थी और इसका मतलब यह है कि कैमाल ने ये नहीं किया। हालांकि तुम्हें ये सुनकर बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। पता है कि ये उसका स्टाइल नहीं है, ये आपकी गलती है डैड। तुम फिर से बकवास करने लग गए। आप ही जिम्मेदार हैं। एक ही आदमी मुझे मारने की कोशिश कर सकता है और वो है मेरा ब्लैकमेलर, मेरा अपना भाई, जिसे मैं नहीं जानता लेकिन जल्दी ही जान जाऊंगा और फिर उसे नहीं छोड़ूंगा। कैसे? क्योंकि उसने एक गलती की है। कई तरीके हैं जिससे मैं उस तक पहुंच सकता हूं डैड, पर अभी वो सब बंद है और थोड़ी कोशिश से सारे रास्ते खुल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ का जासूस कौन है और मेरे बारे में उसे सब कुछ कैसे पता, उसे कौन बताता है? वो तो कोई भी हो सकता है। उसे ढूंढ लूंगा और वो मुझे अपने दुश्मन तक ले जाएगा। हाँ सर, यहां तूफान ताकि हम हमारे एजेंडा पर बात कर सकें। ठीक है सर, मैं आता हूं। ठीक है डैड, मैं आपको बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगा। ओके